तो स्टार्ट करते हैं हमारे नए ब्लॉग की। आज हम लोग जा रहे हैं सब लोग कच्छ। तो अभी आज डे है सैटरडे, आज हमारी फ्लाइट है 6 बजे की। तो हम लोग पहले अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद से बाय रोड कच्छ जाएंगे। तो एट प्रेजेंट हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर रिपोर्ट कर चुके हैं, अब चेकिंग करेंगे, लगेज देंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। तो आगे आगे आपको अपडेट देते हैं। और आगे इस लोग में एक नया खुलासा भी है जिसकी आप सब लोग मांग करते हैं कि वो कौन है, वो कौन है। तो आज हम आपको नए पर्सन से भी मिलवाएंगे, तो बने रहिए इस लोग में। अब हम लोग जा रहे हैं अपना लगेज चेक इन करवाने के लिए। वो आगे प्रिंस हेयर स्टाइल सेट करते हुए, मुकुल 2 रुपये मांगते हुए मुझसे, प्रिंस डांस करते हुए। मेरे पीछे मयंक, विशाल भाई और गुरु जी से हाय। हम लोगों की आज जस्ट चेकिंग हो गई है बैग्स की, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सब खड़े हैं पीछे। विशाल भाई की चेकिंग चली रही है अभी, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने गेट्स पर फिर फ्लाइट में। ऐसे ही चलता रहेगा अपना कार्यक्रम और मिलेंगे हम लोग शाम 5 बजे कच्छ में। चीज़ नोटिस करी है, एक साइड जो है वो मून सेट हो रहा है और दूसरी साइड जो है, आप दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड सन राइज हो रहा है। सो हम लैंड कर चुके हैं अहमदाबाद, अभी अभी प्लेन में से बाहर निकले हैं और आगे देखिए कि कौन कौन कैसे कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे मयंक भैया, गुरुजी और वो सारे हमारे बैग जा रहे हैं। हेलो गाइस, हम अहमदाबाद लैंड करने के बाद बेल्ट पे आए हैं। तो बेल्ट पे ना एक ये हुआ है कि जो हमने फ्रजाइल के लिए भेजे थे इंस्ट्रूमेंट, फ्रजाइल के लिए इंस्ट्रूमेंट भेजे थे, तो उसमें क्या हुआ है कि मुकुल भैया का जो गिटार है, बेस गिटार, उसका जो बैग है, तो देखिए अपनी आंखों से देखिए खुद हाल क्या हुआ है उसका। मतलब ये पूरा निकल चुका है और आगे से भी एक जगह से निकला है, तो इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने इस पर स्टिकर चिपका दिया। अब मैं यही कहने चाहते हैं हम कि भाई, एक तो एयरलाइन में हमने भेजा, ऊपर से फ्रजाइल में भेजा, फ्रजाइल का वो स्टिकर लगाने के लिए, तो इतनी भी लापरवाही नहीं सही लगती ना। बाकी जतिन भैया देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम बाहर निकल चुके हैं, अभी हम अहमदाबाद में हैं। उसके बाद हमें आगे का सफ़र जो पूरा करना है, हमारे लिए ट्रैवलर आ रखी है, तो हमने सोचा है कि हम जितना भी थके हैं ना, सारी थकान निकालनी है सो के। तो बस हम ट्रैवलर में सोने ही वाले हैं और कुछ नहीं करना। ये वाला तू बड़ा बैग है तो बैग सारे हम रख रहे हैं। जतिन भैया ऊपर खड़े हुए हैं। ट्रैवलर, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कच्छ है 350 किलोमीटर, तो हमें लगेंगे 7 से 8 घंटे। मेरे साथ है मयंक, अश्वनी, पीछे मुकुल, दीपांशु, प्रिंस
और ये शिवांग सर और आगे बैठे हैं विशाल भाई। तो हम सब आपसे मिलते हैं कच्छ में, अभी बाकी रास्ते में आपको जर्नी दिखाते हैं। गाइस अब हम लोग रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए, ये थोड़ा सिटी से बाहर का एरिया है। खैर मैं तो चाय पीता नहीं, बाकी लोग पीते हैं, तो चलते हैं थोड़ा चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं ना, खत्म हो जाएगा। आपको कड़ी मीठी मिलती है, तो अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोग खाने के लिए रुके हैं। हम लोगों ने अभी भुज क्रॉस करा है और हम लोगों को चलते हुए ऑलमोस्ट 5.5 घंटे 6 घंटे तो हो गए हैं। एयरपोर्ट से 350 किलोमीटर था, भुज से 100 किलोमीटर और बचा है, कच्छ जाम जा रहे हैं। लोगों ने तो जाते के साथ ही खाना स्टार्ट कर दिया, इतनी भूख लग गई लोगों को। जा रहे वही नींद में फुल नींद लेकर आए, ये तो भाई रुका ही नहीं, तो सोता ही रहा। ये मेन्यू ये सबके टिफिन खुले हुए हैं, चलो अंदर। तो हमारा ब्रेकफास्ट डन हो चुका है, अब हम लोग वहां से निकल रहे हैं। यहाँ से कच्छ बचा है सिर्फ 30 किलोमीटर्स, तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ से जो भी वाइट डेजर्ट जाता है तो उसको एंट्री करानी पड़ती है। तो मैं और विशाल भाई जा रहे हैं, पीछे हमारे ट्रैवलर है और हम लोग इधर चेक पोस्ट पर जा रहे हैं एंट्री के लिए। A few moments later. तो हम लोग एंट्री करवाने गए थे पर उनको पता चला हमारा शो है, तो उन्होंने कहा आपको एंट्री की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही जा सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही वापस आ गए। हम लोग अब टेंट सिटी पहुंच चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा स्टेज पर, वहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट्स उतारेंगे, फिर हम लोग जाएंगे अपने रूम्स पर। तो यहाँ की एंट्री है। हेलो, हाँ ये है तो एक्टिविटी में, एक्टिविटी में जाएंगे। हाँ एक्टिविटी वाला कट कर लेना सर। हाँ इधर से कट करवा जी। ओके सर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये पीछे हमारा स्टेज है। तो ये स्टेज है, अभी इस पर काम होना बाकी है, ये पूरी टेंट सिटी। अभी
जहाँ के साउंड ऑपरेटर आ रहे हैं, फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स रख के अभी उनको रख के जाएंगे, फिर थोड़ा चेंज कर कर आके साउंड टेस्ट करेंगे। ये पीछे वाला आज एक फ्रेम है, तो मैं आपको टेंट टूर देता हूँ, जैसे ये बैठने के लिए, और ठीक है यहाँ पर लाइन से काफ़ी सारे टेंट्स हैं बिकॉज इट्स अ टेंट सिटी। सो ये टेंट की एंट्रेंस है, फिर हर टेंट में दो दो बेड हैं, तो ये मैं और मयंक शेयर कर रहे हैं, और ये सैनिटाइज़र हमें दिया गया है, ये फ़ैन एंड वाटर बॉटल्स, मेन्यू, ये हमारे बैगेजेस, और ये सामने वॉशरूम है। तो टेंट इज़ बिट नाइस, बाहर ठंड बहुत है, और यहाँ के आर्टिस्ट मैनेजर है जो उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ मैं आपको। तो भैया का नाम अखिल है, भैया यहाँ पे आर्टिस्ट मैनेज कर रहे हैं और होस्ट कर रहे हैं, और हमारा सारा टेक केयर भैया ही कर रहे हैं वैसे तो। तो भैया को हम सब थैंक्स करते हैं, और ये पूरा टेंट व्यू है, और उधर सामने हमारा स्टेज है। दिस इज अवर स्टेज, 2 महीने लगते हैं पूरा करने में। जी जी, तो ये जो कृपाल भैया है और ये जो सर है, ये लोग प्रोडक्शन वाले हैं, और ये लोग पूरा का पूरा प्रोडक्शन देखते हैं इसका। कौन सी कितनी किल्ली कहाँ लगी है वहाँ तक इनको सारी नॉलेज होती है। क्या बात है, सारा सेटअप इनका। अभी जो है तबले का साउंड टेस्ट किया जा रहा है, हमारे जतिन जी सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। वो एक वीडियो कर रहा है, ये वीडियो, ये ढोलक का साउंड हो रहा है। इतना ठीक है, बेस ठीक है। ये क्या जोन टेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्नेयर के लिए आइस खोल दो। तो हम लोगों का साउंड टेस्ट हो चुका है, जैसे पीछे अभी इन लोगों ने मच्छरों के लिए शायद धुआं उड़ाया, और ये पब्लिक के लिए सीट्स हैं, ये वही एक्स्ट्रा स्टेज, और ये ऊपर अपर लाइट्स हैं, ये ग्राउंडिंग है और डांस, ये 500 साउंड टेस्ट करके आ गया है, और स्टेज पे अभी तो पूरा धुआं धुआं हो रहा है। हम लोगों को फटाफट जाना है चेंज करना, और यहाँ पर आने क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। अच्छा, तो हम अभी साइकिल में जा रहे हैं, जतिन भी साइकिल चला रहे हैं, मैं उनके पीछे बैठा हूँ, फटाफट से चेंज करने। यस, तो हम लोग फटाफट से स्टेज की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि फटाफट से हमने साउंड टेस्ट करा, और हमारे पास बस 5 मिनट बचे थे रेडियो के शो स्टार्ट करने के लिए। उसमें भी हम रास्ता भूल गए। हाँ, रास्ता भूल गए हम लोग। तो ये सामने वो स्टेज है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ से। बहुत देर से अनाउंसमेंट चल रही है कि साधो बैंड। सब लोगों ने आज ग्रीन ही पहना है, कल हम लोग गोल्डन पहनेंगे। तो चलते हैं स्टेज की तरफ। हम सभी बैक स्टेज पर हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे ये स्टेज है, ये वो बना देना, और इधर पीछे पब्लिक बैठी हुई है। तो हम लोग बैक स्टेज पर अभी वो अनाउंस करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी। एक्चुअली हुआ ये कि फटाफट साउंड टेस्ट करने के बाद हम लोग 2 मिनट के अंदर रेडी होकर आए हैं, तो बस अब हम लोग जाते हैं स्टेज पर और स्टार्ट करते हैं शो। हो गई यार, प्लीज बजाते रहे, क्योंकि बहुत अमेजिंग आर्ट प्रेजेंट करने वाले हैं ये लोग आपके सामने।
लौट कर मैं बजाऊंगा ताली। तुम क्या जानो शराब कैसे पिलाई जाती है? बोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, फिर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ टूटे दिल वालों, यहाँ दर्द दिल की दवा पिलाई जाती है। मिटाओगे मुझे किस तरह से, मिटाओगे जाके तीर चलाओगे, जाके तीर चलाओगे, मेरी दोस्ती की बनाए लो, मुझे हाथ उठा कर दुआए दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया, जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया। जो भी तुमने मुझसे कहा है सनोरिटा, मगर फिर ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सनोरिटा। तो हम लोगों का शो खत्म हो चुका है और शो एकदम सुपर हिट रहा, जैसे आप देख रहे हो स्टेज से लोग सामान उतार रहे, और अब हम लोग चेंज करेंगे और फुल मून देखने जाएंगे। तो बस हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी पर, फिर हम रूम जाएंगे
मतलब हमारे टेंट्स पर, फिर हम चेंज करके फुल मून देखने जाएंगे वाइट डेजर्ट में, तो आपसे वहाँ पर मिलते हैं। तो हम लोग ये एक्चुअली सॉल्ट है, तो हम लोग वाइट डेजर्ट पर आए हुए हैं आफ्टर शो, जब पूरा वाइट डेजर्ट है। ओ मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो वो फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। तो अभी हमने गाना गाया, अभी जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा बहुत मजा आया। अब हम लोग जाते हैं अपने रूम्स पर और वहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब डे टू की व्लॉग स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और देखते रहे साधो व्लॉग्स। अच्छा।